ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा, कैसे हो? बढ़िया है सर। तो इन कंटिन्यूशन टू अवर लेक्चर ऑफ सी सेट, है ना, CSEET, लीगल एप्टीट्यूड, दिस विल बी योर लेक्चर नंबर 4 ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप बिफोर एक्सेसिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑन आर यूट्यूब चैनल, यू ऑल हैव ऑलरेडी अंडरगॉन ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स एंड यू हैव थरली अंडरस्टूड द कंटेंट्स दैट वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है जी सर। हाँ बेटे, तो बच्चों पिछले क्लास तक, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिस्कस किया था टिल आर्टिकल नंबर 18। इफ यू रिमेंबर, आर्टिकल 18 तक बच्चों पढ़ा था पिछले क्लासेस में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इन दिस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 20, 21, 22, ठीक है, एज वेल एज वी विल बी डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ रिट्स एज वेल एज टाइप्स ऑफ रिट्स। ठीक है। हाँ जी सर। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। स्टार्ट करें? हाँ सर करो। चलो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे लास्ट क्लास तक कुछ याद है क्या पढ़े थे? सर याद तो है, बता सकते हो क्या? नहीं सर, क्यों बताएं? ठीक है यार, मत बताओ, कोई बात नहीं। नाउ आई एम डायरेक्टली मूविंग ऑन टू आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑल हैव थरली रिवाइज द कंटेंट्स दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स। आर्टिकल नंबर 19 टू 22 गारंटीज सर्टेन फंडामेंटल फ्रीडम्स, इट गारंटीज सर्टेन फंडामेंटल फ्रीडम्स टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। हाँ सर। चलो देखते हैं अपन, द सिक्स फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन्स एज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर, देखो क्या लिखा है, आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू सिटीजन ऑफ इंडिया सिक्स फ्रीडम्स, नेमली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एज वेल एज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेसेस इन इंडिया। ठीक है जी। हाँ जी। चलो अब ना इसको अपन क्या करने वाले, इसको ना अपन डिटेल में पढ़ने वाले, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आर्म्स का मतलब है हथियार, यू कैन असेंबल पीसफुली, यू कैन फॉर्म गैदरिंग्स प्रोवाइडेड सच असेंबली और गैदरिंग्स आर विदाउट एनी आर्म्स और एमिनेशंस, देन यू हैव फ्रीडम, बींग अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, बींग अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वी हैव द फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द इंडिया, इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, वी हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। हाउ एवर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे दीज फ्रीडम्स कम्स विथ, ऑल दीज फ्रीडम्स कम्स विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ऑल दीज फ्रीडम्स कम्स विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है बच्चों। हाँ जी सर। चलो ध्यान देना, यहाँ पे दीज फ्रीडम्स आर दोज ग्रेट्स एंड बेसिक राइट्स विच आर रिकोगनाइज एज द नेचुरल राइट्स इनहेरेंट इन द स्टेटस ऑफ अ सिटीजन। मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट इज इनहेरेंट, इट इज इम्प्लाइड, इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट इज इनहेरेंट और इट इज इम्प्लाइड दैट यू विल हैव, यू विल हैव all these freedoms, you will have all these freedoms as granted by the
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ जी सर। तो देखना यहाँ पे हम लोग फ्रीडम्स की बात कर रहे थे, दीज फ्रीडम्स विल कम्स विथ शैल कम विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ध्यान देना, तो यहाँ अपन डिस्कस कर रहे थे बच्चों, दीज फ्रीडम्स आर द ग्रेट आर दोज ग्रेट एंड बेसिक राइट्स विच आर रिकोगनाइज एज द नेचुरल राइट्स इनहेरेंट इन द स्टेटस ऑफ अ सिटीजन। इट मीन्स इफ एनी पर्सन इज द सिटीजन ऑफ इंडिया देन इट इज इम्प्लाइड, ठीक है, इट इज इम्प्लाइड दैट द पर्सन इज गोइंग टू एन्जॉय और इज गोइंग टू हैव ऑल दीज फ्रीडम as conferred upon them or as given to them by the constitution of India. At the same time, none of these freedoms is absolute. Bataya tha na abhi, it has reasonable restrictions. None of them are absolute, but it is subjected to reasonable restrictions as specified under clause 2 to 6 of article 19. The constitution under article 19 clause 2 to article 19 clause 6 permits the imposition of restrictions on these freedoms subject to the following conditions. Bola jo ye freedoms aapko diya gaya being a citizen of India, these freedoms are not absolute in nature and these are subjected to reasonable restrictions as imposed under article 19 clause 2 to article 19 clause 6 of the constitution of India. ठीक है, और यहाँ बोला गया that restrictions can be imposed subject to the following conditions. पहला, the restrictions can be imposed by law and not by a purely executive order issued under a statute. बताऊंगा मैं, एक बार मेरे साथ ध्यान से पढ़ो. Then the restriction imposed must be reasonable. And third one, the restriction must be imposed for achieving one or more objectives as specified in the respective clause of Article 19. ध्यान देना यहाँ पे. बोला गया restrictions can be imposed by law. It means restrictions on these freedoms can be imposed by way of making any law. Restrictions can be imposed on these freedoms by making any law and not by a purely executive. बेटा यहाँ पे executive का मतलब है authority. मतलब कोई भी authority इन freedoms पे restriction impose नहीं कर सकती है. कोई भी authority इन freedoms पे restrictions impose नहीं कर सकते. ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ओनली बाय लॉ. फिर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है या रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है दैट मस्ट बी रीजनेबल या मैं बोल लूँ दैट मस्ट बी वैलिड या दैट मस्ट बी एडिक्वेट. वैलिड ग्राउंड्स पे या एडिक्वेट ग्राउंड्स पे सच रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज ओनली ऑन वैलिड और एडिक्वेट ग्राउंड्स. देन such restrictions must be imposed for the achieving one of the objectives specified in the respective clause of article 19. ठीक है, अभी देखो ये सारे वो clauses हैं. बोला restriction can be imposed, ठीक है, to promote the sovereignty and integrity of India. Restrictions can be imposed to promote the security of the state, to promote the friendly relation with the foreign state. ठीक है, to make follow the public order, to promote decency or morality, contempt of court, defamation, incitement of an offense. मतलब समझ रहे हो? देखो, तुमने यहाँ पढ़ा था freedom of speech and expression, है ना? You have freedom to speak and express yourself, but you should not speak anything which is against the sovereignty and integrity of India, which is against the security of the state, which is against the friendly relation with the foreign state, which is against the public order,
या तुम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते विच इज अगेंस्ट द डिसेंसी और मोरालिटी। तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी को भी अब्यूज करते फिरोगे। अगर तुम किसी को भी अब्यूज कर रहे हो, इट इज अगेंस्ट द डिसेंसी और मोरालिटी। तुम किसी को भी गालियां देते फिरोगे, नहीं चलेगा। तुम किसी को भी गालियां दोगे और ऐसा बोलोगे कि आई रिजर्व द राइट, मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीक है या फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारे पास राइट है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बट इफ सच असेंबली इज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मान लो कि तुमने क्या किया, तुमने 100 लोगों की भीड़ बुलाई और देश विरोधी नारे लगाए, ठीक है, तुमने 100 लोगों की भीड़ बुलाई और देश विरोधी नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डू यू रिमेंबर दैट इंसिडेंट ऑफ कन्याकुमार? ठीक है, जेएनयू वाला जो इंसिडेंट हुआ था, तो दे हैव एक्सरसाइज दिस राइट, दे असेंबल, ठीक है, इन अ लार्ज नंबर विदाउट आर्म्स, ऑल्दो दे वर विदाउट आर्म्स, लेकिन जो उन्होंने बात की थी दैट वॉज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। पास में आ रहे क्या आंसर? तो रिस्ट्रिक्शंस इन ग्राउंड्स पे लगाया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस इन ग्राउंड्स पे लगाया जा सकता है। इज इट क्लियर? अब मान लो कि तुमको एक फ्रीडम दे रखा है यहाँ पे, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तुम थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो। अब मान लो कि यहाँ पे ना एक ये पॉलिटिकल लीडर है, और ये पॉलिटिकल लीडर ना एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को बिलोंग करता है, इज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप, एंड इफ द अथॉरिटी इज ऑफ ओपिनियन कि ये पर्टिकुलर पर्सन के कहीं विजिट करने पे, इफ ही विजिट्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस, देन इट मे लीड टू द कम्युनल राइट्स, इसके आने से कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, तो ये पर्सन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है फ्रॉम मूवमेंट। अगर तुमको याद हो तो जब आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़े दिन पहले, पिछले साल की बात है, व्हेन द आर्टिकल 370 वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वहां पे तुम लोगों ने देखा होगा, अगर सुना भी होगा, तो जेएनके के काफी सारे लीडर्स को नजरबंद कर दिया गया था, कुछ को 6 महीने के लिए, कुछ को 7 महीने के लिए, कुछ को 8 महीने के लिए, कुछ को 4 महीने के लिए नजरबंद कर दिया गया था उनको, मतलब उनको एक ही जगह पे बंद करके रख दिया गया था, क्योंकि अगर ऐसे लोग बाहर होते हैं उस सिचुएशन में, तो इट मे हैव लेड टू द इमर्जेंस ऑफ कम्युनल राइट्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। बात समझ में आ रही है? मान लो कि मैं ना बाय रिलीजन आई एम अ हिंदू, एंड मेरे ना करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और किसी पर्टिकुलर एरिया में मान लो कि कम्युनल राइट्स छिड़ गए, टेंशन वाला माहौल है बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिससे कम्युनल टेंशन अराइज हो गया, अब मैं उस एरिया में जाना चाह रहा हूँ टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ माय रिलीजन, एंड इफ द अथॉरिटीज इज ऑफ ओपिनियन कि मेरे वहां पे जाने से कम्युनल टेंशन और बढ़ेगा, तो वहां पे अथॉरिटी मेरे वहां जाने पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो मैं क्या बोला यहाँ पे, That being a citizen of India, you have inherent rights, या inherent freedom, right to enjoy these freedom, freedom of speech and expression, assemble peacefully and without arms, to form an association or union, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, to practice any profession. But these freedoms comes with certain reasonable restrictions. For example, यहाँ पे बोला कि to practice any profession. अब मान लो कि यार बोला गया ना to practice any profession. मैं आज पढ़ा रहा हूँ, कल को मैं बोलता हूँ कि यार कल सुबह से ना मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अविनाश शाह हूँ. अभी मैं CS अविनाश शाह हूँ, कल सुबह से मैं बन जाता हूँ डॉक्टर अविनाश शाह. But in order to practice, ठीक है, डॉक्टर का प्रैक्टिस करने के लिए, डॉक्टरशिप का प्रैक्टिस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एडिक्वेट नॉलेज चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए. तो मैं वो प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकता हूँ प्रोवाइडेड आई हैव द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, प्रोवाइडेड आई हैव द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन. तो ये रिस्ट्रिक्शंस तो इम्पोज किया जा सकता है. हाँ सर, बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी सर. नाउ
तो देखोगे परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। रिस्ट्रिक्शंस कब? परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, जब तुम कोई ऐसी बात कर रहे हो विच इज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जब तुम ऐसी कोई बात कर रहे हो विच इज अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, तुमने कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर दिया, जब तुम कोई ऐसी बात कर रहे हो विच एडवर्सली अफेक्ट द फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट। मान लो कि अभी इंडिया इज हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विद यूएस एंड रशिया, तुम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गए और तुमने यूएस के प्रेसिडेंट को गालियां देना स्टार्ट कर दिया, तुम तो हो पागल, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। मजाक कर रहा हूँ, एग्जाम्पल है बेटा, है ना, पर्सनली नहीं लेना कोई भी। पास में तुमने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाकर के यूएस के प्रेसिडेंट को गाली दे दिया, तुमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाकर के रशिया के प्रेसिडेंट को गाली दे दिया, रशिया के अगेंस्ट वॉर छेड़ने की बात कर दी। तुम हो 25 किलो के लेकिन बातें तुम 50 किलो वाली कर रहे हो, बातें तुम 100 किलो से ऊपर वाली कर रहे हो, होते ना कुछ लोग, हाँ सर, नहीं कर सकते। अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर, मान लो कि अभी पब्लिक ऑर्डर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया ना दैट वी नीड टू स्टे एट होम, गवर्नमेंट ऑर्डर है ना, वी नीड टू स्टे एट होम एंड वी नीड टू फॉलो इट सीरियसली। अब मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ या मैं कोई ऐसा वीडियो वगैरह बनाता हूँ जहां पे मैं गवर्नमेंट के बारे में कुछ से कुछ बोलता हूँ, नहीं चलेगा। डिसेंसी मॉरलिटी, गालियां देता हूँ, नहीं चलेगा। तो ये जो बिग बॉस वगैरह जो शो है वो दैट इज अगेंस्ट द डिसेंसी और मॉरलिटी, उनको लगता है ऐसा बिग बॉस जैसा कुछ, ऐसे जितने भी शोज वगैरह है, विच इज अगेंस्ट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, विच इज अगेंस्ट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। डिफेमेशन, विच लीड्स टू डिफेमेशन, किसी की बदनामी कर रहे हो बेवजह, किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हो यार तुम, तो तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी के बारे में कुछ भी बोलोगे, तुम किसी को भी डिफेम करते चलोगे। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? हाँ सर। और विच मे लीड टू इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म जहां पे हजारों लोग इकट्ठे, ठीक है, जहां पे हजारों लोग हैं, हजारों लोग मेरे को सुनने के लिए आए हैं और वहां पे मैं हजारों लोगों से अपील कर रहा हूं कि जाओ दंगे करो, एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के लोगों को मारो, नहीं कर सकता। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कम्स विद द फॉलोइंग, कम्स विद द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? हाँ सर। अच्छा, फिर ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मैंने बताया था, दीज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर दीज हेड्स कैन बी इम्पोज्ड ओनली बाय अ ड्यूली इनेक्टेड लॉ, मतलब दीज रिस्ट्रिक्शंस, दीज रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ओनली बाय वे ऑफ मेकिंग, दीज रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज ओनली बाय वे ऑफ मेकिंग अ लॉ एंड नॉट बाय एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब कोई अथॉरिटी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं कर सकती। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए पावर होना चाहिए, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए पावर होना चाहिए इन अ ड्यूली इनेक्टेड लॉ। As per the provisions of any law, restrictions can be imposed. As per the provisions of any law, restrictions can be imposed. Clear hai bachcho? Haan ji sir. Now, moving on to next article. Article number 21. Protection of life and personal liberty. Article 21 confers on every person the fundamental right to life. You have right to life. And personal liberty. A personal freedom. It says that no person shall be deprived of his life. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. मतलब सबको जीने का समान अधिकार है,
सबको जीने का समान अधिकार है. एवरी पर्सन हैज इक्वल राइट टू लिव. एवरी पर्सन हैज इक्वल राइट टू एक्सरसाइज पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल फ्रीडम. मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, मेरी मर्जी कि मैं तुमको पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, तुम्हारी मर्जी कि तुम पढ़ो नहीं पढ़ो, पर्सनल लिबर्टी है. इज इट क्लियर? यू ऑल हैव राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. हाउएवर, ये राइट टू लाइफ आपसे छीना जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, बाय द लॉ, या इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया, इफ यू हैव कमिटेड एनी ऑफेंस जिसमें तुमको फांसी की सजा हो गई है, अब अगर फांसी की सजा हो गई तो तुम्हारे राइट टू लाइफ को छीना जा रहा है ना. बट दैट इज बिंग डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. अगर तुमको फांसी की सजा, मैं दे सकता हूं क्या तुम्हें फांसी की सजा? नहीं दे सकता सर. क्या बात कर रहे हो आप? अगर तुम्हें कोर्ट ने, जुडिशियल अथॉरिटी ने फांसी की सजा दी है, तो तुम्हारे राइट टू लाइफ को छीन रही है ना. वेदर दैट इज वैलिड? यस, दैट इज वैलिड. क्यों? बिकॉज इट इज बिंग डन इन अकॉर्डेंस विद द, इट इज बिंग डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और इट इज बिंग डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ. इट इज बिंग डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ. ठीक है बच्चों? हाँ सर. द राइट टू लाइफ इंक्लूड दोज थिंग्स विच मेक्स द लाइफ मीनिंगफुल. द राइट टू लाइफ इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच मेक्स द लाइफ मीनिंगफुल. The right to life enshrined in Article 21 guarantees the right to live with human dignity. Right to live in freedom from noise pollution is also a fundamental right which is protected by Article 21. You have right to live in freedom from noise pollution. तभी होता है ना, तुम्हारे पड़ोसी जोर से गाने बजा रहे, तुमने एक दिन झेल लिए, दो दिन झेल लिए, तीन दिन झेल लिए, चौथे दिन तुमने झेला नहीं क्या, तुम जाकर के उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हो एंड अथॉरिटीज कैन इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट देम. बिकॉज राइट टू लिव, देखो यहाँ पे क्या इंक्लूड कर रहे, इट इंक्लूड्स द राइट टू लिव इन फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट इज एन इनबोर्ड इन टू दैट राइट. अपन ने अगर देखा हो तो यहाँ पे डीजे वगैरह 10 बजे तक ही चलता है, 10 बजे के बाद तुम कोई भी इवेंट में डीजे नहीं प्ले कर सकते हो. अप टू 10 o'clock, 10 PM इट इज अलाउड. उसके बाद रिस्ट्रिक्शन है, तो वो रिस्ट्रिक्शन तुमको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से दूसरे के राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है. इन्फ्रिंजमेंट मतलब वॉयलेशन हो रहा है. द अदर पर्सन हैज ऑल्सो राइट टू लिव इन फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन. जो राइट तुम उससे छीन रहे हो. क्लियर है बच्चों? हाँ जी, क्लियर है. ठीक. देन इन द केस ऑफ सतवंत सिंह शावनी वर्सेज एपीयू न्यू दिल्ली AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट, ये सब ये नाम मत याद रखना, जजमेंट पढ़ लो. इट वॉज हेल्ड दैट राइट टू ट्रेवल इज इंक्लूडेड विद इन द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी एंड देयरफॉर नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड, किसी को भी रोका नहीं जा सकता है ऑफ हिज राइट टू ट्रेवल. यू कैन ट्रेवल एनीवेयर एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई द लॉ. हाँ सर, आपने बोला आई कैन ट्रेवल एनी वेयर, तो मैं बॉर्डर्स पे जाकर के खड़ा हो सकता हूँ क्या? बॉर्डर्स पे जाकर के हाई लो कर सकता हूँ क्या? नहीं रे, ऐसा मत करना. ठीक है, तुम बॉर्डर पे चले गए और बॉर्डर पे जाकर के बोल दिया कि हमारे सर ने बोला था. बॉर्डर्स भी तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही आता है ना. हाँ बिल्कुल आता है. तो पता चला कि वो अथॉरिटीज तुम्हारे सर को उठा करके ले गई, तुमको तो छोड़ दिया. तुम्हारे तो समझ लिया कि तो नारदान परिंदे कहीं भी उड़ सकते. सर को पकड़ो, सर को पकड़ने के लिए आगे. ऐसा मत करना. बोला ना यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. सर आपने बोला राइट टू ट्रेवल, मतलब कहीं भी जा सकते, फॉरेन भी जा सकते. हाँ जा सकते हो ना फॉरेन, बट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. फॉरेन जाने के लिए अगर तुमको पासपोर्ट चाहिए,
अगर लॉ में लिखा है कि फॉरेन जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए तो तुम्हें पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। लिखा है देखो, सिंस अ पासपोर्ट इज एसेंशियल फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ दैट राइट, द डिनाइल ऑफ अ पासपोर्ट अमाउंट्स टू डिप्रिवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ये इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि तुम्हारे पास राइट टू ट्रैवल है, राइट टू ट्रैवल एनीवेयर एनीवेयर इन अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब मान लो कि अगर विद इन इंडिया ट्रैवल कर रहे हो तो पासपोर्ट चाहिए क्या? है सर, ये कैसी बात कर रहे हो? विद इन इंडिया यू नीड नॉट टू हैव एनी पासपोर्ट, यू कैन ट्रैवल एनीवेयर इन इंडिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बट इन केस इफ यू वॉन्ट टू ट्रैवल इन एनी फॉरिन कंट्री, यू नीड टू हैव पासपोर्ट, वन नीड टू हैव पासपोर्ट। तो अगर अथॉरिटी, जो पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी है, अगर वो पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी तुम्हें पासपोर्ट इशू करने से मना कर रही है, अगर वो पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी तुम्हें पासपोर्ट इशू करने से मना कर रही है, इसका मतलब दैट अथॉरिटी इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम एक्सरसाइजिंग योर राइट्स, देन इन ऑल सच केसेस एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट सच अथॉरिटीज। Then in all such cases, actions can be taken against such authorities. ठीक है बेटा? हाँ सर। In the absence of any procedure prescribed by law of land sustaining the refusal of passport to a person, if its refusal amount to an authorized deprivation of personal liberty guaranteed under, अच्छा, अगर तुमको passport नहीं issue किया गया on valid grounds, मतलब जो requirements meet करना था वो requirements तुमने meet नहीं किया, तो तुमको passport issue नहीं किया। Whether it will lead to deprivation of your rights या prevention of your rights? No. तुमने सारे requirements को fulfill किया है, सारे eligibility norms को fulfill किया है, तो भी तुमको passport issue नहीं किया। In that case, it may lead to depriving you from exercising your right to travel. तो right to travel में देखो दो aspects cover हुए। आप कहीं पे भी travel कर सकते हो within India in accordance with the procedure established by law. However, outside India travel करने के लिए तुम्हें पासपोर्ट चाहिए, और अगर अथॉरिटी तुम्हें पासपोर्ट देने से मना कर रही है, इवन आफ्टर यू हैव मेट ऑल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, अगर अथॉरिटी तुम्हें पासपोर्ट इशू करने से मना कर रही है, इन दैट केस एक्शन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट सच अथॉरिटी। क्लियर है? सो कट कर देना, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है तुमको। राइट टू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 21A, देखो जब भी तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय ना, अगर ए वर्ड सुन लेते हो ना किसी भी आर्टिकल के पास में, तो इसका मतलब समझ जाना कि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम किया गया होगा वो आर्टिकल नहीं था, लेटर ऑन इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो देखो राइट टू एजुकेशन क्या बोलता है, द स्टेट, स्टेट का मतलब क्या था बच्चों? अथॉरिटी। अथॉरिटी में कौन कौन आता था सर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट आता था, स्टेट गवर्नमेंट आता था, और कोई भी लोकल अथॉरिटी आता था। क्लियर है बच्चों? हाँ सर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years। सबको फ्री एजुकेशन देना पड़ेगा जो 6 से 14 साल के बीच में, इन सच मैनर एज द स्टेट मे बाय लॉ डिटरमाइन। तो राइट टू फ्री एजुकेशन है फॉर एवरी चिल्ड्रन, फॉर एवरी पर्सन अप टू द एज ऑफ 14 years। क्लियर है बच्चों? बोलो हाँ सर। कैसे बोले अब यार? बोलो हाँ। ठीक है सर, बोल देते हैं हाँ। चलो आगे आए। चलो अब रहे नेक्स्ट राइट, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 23 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स का मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, समझे हो क्या क्या कंसेप्ट होता है? यस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या क्या चीजें आती है? किडनैपिंग, ठीक है, किडनैप करके किसी को प्रोस्टिट्यूशन में डाल देना या किसी को बेगर बना देना, ठीक है, फिर फोर्स लेबर बना देना। फोर्स लेबर समझते हो? फोर्स लेबर का कंसेप्ट होता है कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक एक ही पर्सन के लिए काम करोगे, उसका नौकर बन के। ये सभी ट्रैफिकिंग में कवर होता है, तो ध्यान देना। आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। फोर्स लेबर, तुम चाहते नहीं हो काम करना फिर भी तुम्हें काम करना पड़ेगा, जब तक जिंदा हो तब तक काम करना पड़ेगा।
इज वेरी कॉमन इन अ कंट्री लाइक इंडिया. यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग क्या करेंगे, जो मतलब जो बहुत ही गरीब फैमिली है उनके यहाँ से बच्चे खरीद लेते हैं. बच्चों को खरीद लिया एट अ लमसम प्राइस, 20,000, 25,000, 30,000. अब वो बच्चा जब तक जिंदा रहेगा ना, तब तक वो पसंद के लिए काम करेगा. ऑल्दो ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इफ फाउंड गिल्टी अ पर्सन विल बी पेनलाइज्ड. इफ फाउंड गिल्टी दैट पर्सन विल बी और दैट पर्सन शैल बी पेनलाइज्ड. ठीक है. हाँ सर. आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 23 शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. फर्दर एज पर आर्टिकल 24 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, नो चाइल्ड, इसको अलग करके पढ़ना बेटा, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री. नो चाइल्ड हु इज बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स विल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और एनी माइन और engaged in any other hazardous employment or engaged in any other hazardous employment. Is it clear? 14 years से कम वर्क के एज वाले पर्सन को employ नहीं किया जा सकता है किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइंस में या किसी भी ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज में विच आर ऑफ hazardous नेचर. Hazardous नेचर का मतलब है विच आर हार्मफुल टू, हार्मफुल टू वंस बॉडी और हार्मफुल टू वंस लाइफ. क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो राइट्स कवर होते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर एज वेल एज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस. बोलने का? हाँ सर, क्लियर है. चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट राइट टू, राइट पे, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. यू हैव राइट, यहां पे देखो क्या बात किया गया है, यहां पे बोला गया दैट वन हैव द राइट टू बिलीव या प्रैक्टिस और प्रीच, ठीक है, एनी पर्टिकुलर रिलीजन. जस्ट वेट, देखो कि यहां पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बेसिकली क्या बात कर रहा है, राइट टू बिलीव प्रैक्टिस और प्रीच एनी रिलीजन. इट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मतलब आप कुछ भी सोच रख सकते हो. You can have your independent opinion. You can have your own opinion. You can have your own way of thinking. And free profession, freedom of conscience and free profession, practice and propagation of any religion. You can profess, manna, practice or propagate, promote any religion. Okay? Then you have the freedom to manage religious affairs. Freedom to manage religious affairs. फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द पेमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब तुमसे कोई जबरदस्ती रिलीजन को प्रमोट करने के नाम पे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है. क्या बोला मैं, तुमसे कोई जबरदस्ती किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के नाम पे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता. यू हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम. इफ यू वॉन्ट टू मेक द पेमेंट for promoting your religion, you can make the payment. If you don't want to make the payment, no one can force you to make the payment. No one can force you to make such payments. Is it clear? Then freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions. Clear? Clear? You have freedom to attend religious instructions
अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो, स्कूल्स वगैरह में ना, स्कूल्स वगैरह में तुमको प्रेयर ऑफर करने के लिए बोला जाता है इन द मॉर्निंग, और वो जो प्रेयर है हो सकता है कि वो पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड हो, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड हो या हिंदुइज्म से रिलेटेड हो, इस्लामिक नेचर का हो। इफ अ पर्सन इज हिंदू इफ सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज ऑफरिंग प्रेयर्स रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी, तो वहाँ पे यू हैव एन ऑप्शन, यू हैव फ्रीडम, ठीक है, यू हैव फ्रीडम टू अटेंड और नॉट टू अटेंड, टू अटेंड और नॉट टू अटेंड सच रिलीजियस वर्शिप। बस मेरा क्या, मान लो कि मैं किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ जहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जाता है बाय रिलीजन, आई एम हिंदू, ठीक है, और मैं उनके रिलीजियस अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मैं उनके रिलीजियस वर्शिप में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, दे कैन नॉट एनफोर्स, दे कैन नॉट फोर्स मी टू पार्टिसिपेट और दे कैन नॉट फोर्स मी टू अटेंड सच रिलीजियस वर्शिप। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है कि इफ एनी पर्सन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ एनी पर्सन इज एग्रीव्ड, एग्रीव्ड का मतलब है दुखी, हताश, निराश, परेशान। इफ एनी पर्सन इज एग्रीव्ड विद द एक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, तो जो अग्रीव पर्सन है, अग्रीव पर्सन क्या कर सकता है, वो रेमेडीज मांग सकता है। रेमेडीज का मतलब बेटा रिलीफ, सल्यूशन, प्रॉब्लम का सल्यूशन, रेमेडीज मांग सकता है या रिलीफ मांग सकता है, ठीक है, विच आर अवेलेबल अंडर लॉ, ठीक है, वन कैन आस्क फॉर रिलीफ फॉर रेमेडीज अवेलेबल अंडर लॉ। मान लो कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है, पिछले 3 दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है, ठीक है, इवन आफ्टर मेकिंग कंप्लेंट्स ऑन रिपीटेटिव बेसिस मेरे प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया गया है, मेरे प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया गया है, तो वहाँ पे मेरे पास राइट है, राइट टू आस्क फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू आस्क फॉर द रेमेडीज। आई कैन मेक अ कंप्लेन, आई कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, है ना, एंड आई कैन आस्क द अथॉरिटी कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाए, समझ रहे हो, ये कंसेप्ट है, क्लियर बेटा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्लियर, इफ एनी पर्सन इज अग्रीव्ड, इफ एनी पर्सन इज अग्रीव्ड विद द एक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है, अब यहाँ पे पर्सन में कोई भी अथॉरिटी भी हो सकता है, मान लो कि मुझे ना किसी के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन फाइल करने के लिए जाना है, तो मैं पुलिस कंप्लेन फाइल करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा और मैंने बोला कि मुझे FIR लॉन्च कराना है अगेंस्ट एनी पर्सन, एंड द अथॉरिटीज ओवर देयर रिफ्यूज टू लॉन्च माई FIR, ठीक है, दे रिफ्यूज टू लॉन्च माई FIR, तो इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ, वो अथॉरिटी के अगेंस्ट भी कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ बिफोर द हायर अथॉरिटी, एंड आई कैन क्लेम फॉर द रेमेडीज, आई कैन क्लेम फॉर द रेमेडीज अवेलेबल अंडर द लॉ। क्लियर है बच्चों? आई होप इट इज क्लियर एवरी वन ऑफ यू, ठीक है सर। इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है ये सब लेक्चर अटेंड करने के बाद, यू कैन आस्क योर डाउट ऑन दिस गिवन नंबर एट एनी टाइम, ठीक है, एनी टाइम का मतलब है सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक, ठीक है, कोई बच्चा सीरियसली ले लेता है, रात को 3 बजे मैसेज करता है, नहीं चलेगा बाबा, नहीं चलेगा, इज इट क्लियर? हाँ सर, चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एस्पेक्ट, रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। अब देखो, तुमको एक बहुत मजेदार कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे,
मजेदार कंसेप्ट ऐसा है, बहुत मजेदार, मजा आने वाला है तुमको। योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज माय डियर स्टूडेंट्स। देखने का यहाँ पे देखो, देखना यहाँ पे। तो अभी तक के क्लासेस में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स विच आर कॉन्फर्ड अपॉन या विच आर गिवन टू दी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है? वी हैव डिस्कस्ड, वी हैड गॉन थ्रू ऑल सच फंडामेंटल राइट्स विच हैज बीन गिवन, विच हैव बीन गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों? हाँ सर। अब आगे देखो क्या पढ़ना है। आगे मैं तुमको बता रहा हूं दैट इफ, अच्छा एक और चीज मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि ये फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कौन कराएगा? हु विल इंश्योर दैट एवरी पर्सन इज एबल टू एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स? कौन इंश्योर करेगा ये दैट एवरी पर्सन इज एबल टू एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स? तो कौन इंश्योर करेगा? तो वो इंश्योर करेगा स्टेट। कौन इंश्योर करने वाला है? स्टेट। और स्टेट में कौन कौन आता था बच्चों? स्टेट में आता था सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में आता था सर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट में आता था सर कोई भी लोकल अथॉरिटी एज डिस्कस्ड, है ना जी? हाँ सर। आई होप थोड़ा सा और चुका, चलो क्लियर है। अब ध्यान रखना यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां पे लिख रहे हैं इफ एनी पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? इफ एनी पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स, या इफ एनी पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम, इफ एनी पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग, इफ एनी पर्सन इज प्रिवेंटेड, इसको कॉपी कर लेना है ना, इफ एनी पर्सन इज डिप्राइव्ड और इफ एनी पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज और हर फंडामेंटल राइट्स, देन इन ऑल सच केसेस then in all such cases such person can file a writ petition। अगर किसी person को रोका जा रहा है, prevent किया जा रहा है from exercising his fundamental rights, from exercising his or her fundamental rights, तो उन सारे सर्कमस्टांसेस में, उन सभी सर्कमस्टांसेस में सच पर्सन कैन एक्सरसाइज हिज और हर फंडामेंटल, सच पर्सन कैन एक्सरसाइज हिज और हर फंडामेंटल राइट बाय फाइलिंग अ रिट पिटीशन। रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं फिर यहां पे ऐसा लिख देता हूं कि रिट पिटीशन का मतलब क्या। तो रिट पिटीशन कब फाइल होगा बेटा? इज फाइल्ड व्हेन अ पर्सन, व्हेन अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर, व्हेन अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स, व्हेन अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स, तो पर्सन क्या कर सकता है? इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज, इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज हिज और हर फंडामेंटल राइट, सच पर्सन कैन फाइल रिट पिटीशन, ठीक है जी? ठीक है बच्चों। हाँ सर। अब आगे आता है टाइप्स ऑफ रिट पिटीशन। टाइप्स ऑफ रिट पिटीशन ठीक है, तो रिट पिटीशंस कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला है रिट ऑफ
हॉबीज, कॉर्पस, क्या बोलोगे? रिट ऑफ हॉबीज कॉर्पस, ठीक है। नेक्स्ट है रिट ऑफ मैंडमस। थोड़ा सा नाम संस्कृत जैसा लगेगा, अभी तुमको धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे। रिट ऑफ मैंडमस। थर्ड वन इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। थर्ड वन इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। देन रिट ऑफ सर्श्योरी। एक सेकेंड। एंड फिफ्थ वन इज रिट्स ऑफ को वारंटो। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, पहले आप समझिए कि रिट पिटीशन कब फाइल होगा। तो रिट पिटीशन इज फाइल्ड व्हेन अ पर्सन इज, रिट पिटीशन इज फाइल्ड व्हेन अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ, व्हेन अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ, या व्हेन अ पर्सन इज बीइंग प्रिवेंटेड, व्हेन अ पर्सन इज बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज और हर फंडामेंटल राइट्स। व्हेन अ पर्सन इज बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज और हर फंडामेंटल राइट्स, तो वो पर्सन क्या कर सकता है? रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक है। रिट पिटीशन कितने टाइप का? हबीस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सरश्योरी। इसको क्या पढ़ोगे? सरश्योरी। क्या पढ़ोगे? सरश्योरी, एज वेल एज रिट्स ऑफ कोवारंटो। देखो अभी मैंने तुमको एक ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि आगे हम लोग इसको डिटेल में फिर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट। सबसे पहले आता है रिट्स ऑफ हबीस कॉर्पस। क्या आता है? सबसे पहले रिट्स ऑफ हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है टू हैव बॉडी। क्या है लिटिल मीनिंग? टू हैव बॉडी। यहां बोला गया दैट नो पर्सन कैन बी अननेसेसरली डिटेन्ड। अपन ने पढ़ा था ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी। हाँ सर, पढ़े थे। तो किसी भी पर्सन को अननेसेसरली आप डिटेन करके नहीं रख सकते। नो पर्सन कैन बी अननेसेसरली डिटेन्ड। सर डिटेन का मतलब क्या होता है? बंधक बना के नहीं रख सकते। आप जबरदस्ती किसी पर्सन को पकड़ के नहीं रख सकते, कहीं पे बंद करके नहीं रख सकते। क्या बोला मैं? आप जबरदस्ती किसी भी पर्सन को बंद करके नहीं रख सकते, बंधक बना के नहीं रख सकते। अनटिल एंड अनलेस देर इज एन एडिक्वेट रीजन और देर इज अ वैलिड रीजन फॉर डूइंग दैट। क्योंकि अगर आप किसी पर्सन को अननेसेसरली बंद करके रख रहे हो, बंधक बना के रख रहे हो, इट इज अ क्लियर कट वॉयलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। इट इज अ क्लियर कट वॉयलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। बस में आ रहे क्या? हाँ सर। तो अगर किसी पर्सन को डिटेन किया जा रहा है, तो जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है ना, वो वैलिड होना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई पुलिस अथॉरिटी, जब कोई अथॉरिटीज के पर्सन, कोई पुलिस वगैरह तुमको कभी अगर डिटेन करती, तुमको कभी अरेस्ट करती है, तो अरेस्टमेंट के पीछे वैलिड ग्राउंड्स होना चाहिए। विदाउट एनी वैलिड ग्राउंड्स यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। एंड इन ऑल सच केसेस वंस यू हैव अरेस्टेड, तो तुमको प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। अगर कभी भी तुमको पुलिस ने अरेस्ट किया, तो पहला तो वैलिड ग्राउंड्स पे होना चाहिए। विदाउट एनी वैलिड ग्राउंड्स यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। एंड इन ऑल सच केसेज ऑफ अरेस्टमेंट यू हैव टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। 24 वर्किंग आवर्स है यहाँ पे। तो अगर किसी ने अगर फ्राइडे को अगर कोई अरेस्ट हुआ है, तो सैटरडे संडे विल नॉट बी काउंटेड, क्योंकि सैटरडे संडे इज वर्किंग आवर्स, सैटरडे संडे वर्किंग नहीं होता है मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग्स के लिए। क्लियर है बच्चों? तो अगर कोई पर्सन को अननेसेसरली डिटेन करके रखा गया, डिटेन किया गया है, अगर किसी पर्सन को अननेसेसरली डिटेन किया गया है, तो इन ऑल सच केसेस सच पर्सन कैन फाइल अ रिट पिटीशन। कौन सा रिट पिटीशन फाइल करेगा? रिट ऑफ हबीस कॉर्पस। रिट ऑफ हबीस कॉर्पस। इज इट क्लियर?
क्लियर बच्चों? हाँ सर। रिट ऑफ हबीस कॉर्पस। नेक्स्ट है आपको, सर पर्सन तो अंदर है तो यहाँ पे रिट पिटीशन फाइल करने के लिए कौन जाएगा? भाई यार कैसा क्वेश्चन पूछा, पर्सन अगर अंदर है तो उसके एडवोकेट को बोलो कैन फाइल अ रिट पिटीशन। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट है रिट ऑफ मैंडमस। देखो मैंडमस, मैंडमस का मतलब होता है टू इशू कमांड। मैंडमस का मतलब क्या? टू इशू कमांड। ठीक है, अब ये क्या होगा समझना। व्हेन एनी पब्लिक अथॉरिटी, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन एनी पब्लिक अथॉरिटी रिफ्यूजेस टू कैरी आउट द वर्क, व्हेन एनी पब्लिक अथॉरिटी रिफ्यूजेस टू कैरी आउट द वर्क व्हिच दे वर लायबल टू कैरी आउट। जब भी कोई पब्लिक अथॉरिटी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अपने रोल्स को परफॉर्म करने से मना करे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी आउट करने से मना करे, तो ऐसे पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडमस फाइल किया जा सकता है। और रिट ऑफ मैंडमस में क्या होगा, हायर अथॉरिटी जो है, आप हायर अथॉरिटी के पास रिट्स ऑफ मैंडमस फाइल करो। हायर अथॉरिटी क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन इशू करेगा लोअर अथॉरिटी को कि भैया जो काम आपको बोला गया है, जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, वो काम आपको करना पड़ेगा। हायर अथॉरिटी विल इशू कमांड टू दी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी विल इशू कमांड टू दी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी और टू द लोअर अथॉरिटी टू परफॉर्म दी ट्रांजेक्शन या टू परफॉर्म दी टू कैरी आउट दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेसिजनेटेड टू देम, स्पेसिफिकली डेसिजनेटेड टू देम। इज इट क्लियर? मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप पुलिस स्टेशन गए टू लॉज अ कंप्लेन अगेंस्ट एनी पर्सन और अगेंस्ट एनी पार्टी। वहाँ पे जो पर्सन था पुलिस स्टेशन में, उसने तुम्हारा कंप्लेन लॉज करने से मना कर दिया या FIR लॉज करने से मना कर दिया, तो वो केस में तुम क्या कर सकते हो, उसके हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हो, उसके हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हो। और वहाँ पे हायर अथॉरिटी क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन इशू करेगा लोअर अथॉरिटी को टू कैरी आउट दी वर्क, टू परफॉर्म दी वर्क फॉर विच दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट। तो ऐसे केसेस में रिट ऑफ मैंडमस कैन बी फाइल्ड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपको रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन के लिए एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल किया जाता है जब कोई अथॉरिटी या जब कोई भी कोर्ट, अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे आप कोर्ट ले सकते हो, जब कोई कोर्ट ऐसे मैटर पे डिसीजन दे रहा है, पास मैंने क्या, नॉर्मली क्या होता है जब कोर्ट्स को जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ना, तो एवरी कोर्ट या एवरी जुडिशियल अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड विद देयर ज्यूरिसडिक्शनल एरिया, जुडिशियल अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड विद देयर डेफिनेट ज्यूरिसडिक्शनल एरिया। अब जैसे आप अजमेर कोर्ट की बात करो तो इनका ज्यूरिसडिक्शनल एरिया फिक्स्ड है कि इनके ज्यूरिसडिक्शनल एरिया में जो भी केसेस फॉल करेंगे दे विल बी एंटरटेनिंग ओनली सच केसेस। ठीक है, जिन केसेस को एंटरटेन करने का पावर या प्रोसिक्यूट करने का पावर इनके पास है, दे विल बी प्रोसिक्यूटिंग ओनली सच केसेस। इसका मतलब ये कि दे कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केसेस जिनका पावर्स उनके पास नहीं है। बस समझ में आ रहा है क्या? तो अगर कोई अथॉरिटी इफ एनी अथॉरिटी इज एक्टिंग इन एक्सेस ऑफ देयर कैपेसिटी और इन एक्सेस ऑफ देयर अथॉरिटी, जब भी अथॉरिटी क्या कर रहा है, जुडिशियल अथॉरिटी क्या कर रहा है, ऐसे मैटर्स को भी प्रोसिक्यूट कर रहा है जिनको प्रोसिक्यूट करने का पावर नहीं है। आप समझो, जिसको प्रोसिक्यूट करने का पावर ही नहीं था आपके पास, आपने अगर उन मैटर को प्रोसिक्यूट किया और डिसीजन दिया, तो क्या वो डिसीजन वैलिड होना चाहिए, क्या वो डिसीजन वैलिड होना चाहिए? आंसर इज नो। तो ऐसे डिसीजन को क्वैश करने के लिए, कैंसिल करने के लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी फाइल। रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल किया जाता है टू प्रोहिबिट या टू प्रिवेंट एनी अथॉरिटी, मैं लिख देता हूं यहां पे, टू प्रोहिबिट और टू प्रिवेंट एनी अथॉरिटी
फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच फ्रॉम एक्टिंग ऑन ऑल सच मैटर्स from acting on all such matters to which they are not legally entitled to. अगर आप ऐसे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो या प्रोसिक्यूट कर रहे हो जिसको प्रोसिक्यूट करने का पावर आपके पास नहीं है, तो अगर उन मैटर्स को प्रोसिक्यूट करने का पावर आपके पास नहीं है, अगर वो मैटर आपके jurisdictional एरिया में फॉल नहीं करता है, मैं स्लाइड को ऐसा शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो, आप लिख सको यहाँ पे, तो अगर उन मैटर्स को प्रोसिक्यूट करने का पावर्स आपके पास नहीं है, आप फिर भी पावर एक्सरसाइज कर रहे हो, यू आर प्रोसिक्यूटिंग द मैटर्स, तो आपके अगेंस्ट क्या लाया जा सकता है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन, और थ्रू रिट ऑफ प्रोहिबिशन यू कैन बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्टिंग ऑन ऑल सच मैटर्स और फ्रॉम पासिंग एनी ऑर्डर्स जिनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर पास करने का पावर आपके पास नहीं है. रिट ऑफ प्रोहिबिशन, अब एक चीज ध्यान रखना, रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्श्योरी दोनों एक ही है, सेम कंसेप्ट है, दोनों केसेस में प्रोहिबिट किया जा रहा है लोअर अथॉरिटी को फ्रॉम एक्सरसाइजिंग एनी पावर्स विच इज इन एक्सेस ऑफ देयर ज्यूरिसडिक्शन. बट देयर इज अ डिफरेंस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी ब्रॉट एट एन अर्लियर स्टेज. अर्लियर स्टेज का मतलब मान लो कि when the case has not been initiated और when the case is pending, prosecution is pending, order नहीं आया है. अगर order नहीं आया तो उन cases में तुम उन authorities को prohibit कर सकते हो by making a writ petition of prohibition. अब अगर order आ चुका है, order को cancel करना है, एक मान लो कि एक authority जिसने ऐसे matter पे decision दिया जिस matter पे decision देने का powers ही नहीं है उसके पास, जिन matters पे decision देने का powers ही नहीं है उनके पास, डिसीजन दे दिया है तो डिसीजन को कैंसिल करने के लिए रिट ऑफ सर्श्योरी, डिसीजन ना दे, डिसीजन देने से पहले रिट ऑफ प्रोहिबिशन. तो बेटा दोनों कंसेप्ट सेम है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सर्श्योरी दोनों केसेस में क्या हो रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है एक अथॉरिटी को फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर पावर इन एक्सेस ऑफ देयर ज्यूरिसडिक्शन, फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द पावर्स व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ देयर ज्यूरिसडिक्शन, दोनों केसेस में प्रिवेंट किया जा रहा है. लेकिन writ of prohibition is brought at an earlier stage when the order is not finalized or when the case is not initiated, and writ of certiorari is can be filed at a later stage when the order has already been passed in respect of the matter, jin matter pe order pass karne ka power hi nahi tha wo authority ko. Is it clear? Haan sir. Next beta, writ of co warranto. Ab samjho, तुम लोगों ने ऐसे केसेस सुने होंगे टीवी न्यूज चैनल्स वगैरह में, आए दिन ऐसे न्यूज आते रहते हैं, फर्जी आईपीएस, कोई बंदा फर्जी आईएएस बन के घूम रहा है या आईपीएस बन के घूम रहा है, फर्जी डॉक्टर बन के घूम रहा है, ठीक है, या फर्जी कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन के घूम रहा है. तो ये रिट ऐसे लोगों के अगेंस्ट लाया जा सकता है, रिट ऑफ कोवारंटो. ये रिट के थ्रू सर्टेन पर्सन कैन बी प्रोहिबिटेड from assuming public offices to which they are not legally entitled to. मान लो कि हमारे शहर में ना एक नकली IAS officer घूम रहा है और तुमको ऐसा doubt है कि यार ये बंदा ना ये fake IAS officer है, वो मजे की जिंदगी जी रहा है खुद को IAS बता करके, किसी और सिटी का IAS बता करके खुद को वो मजे की जिंदगी जी रहा है, यहाँ पे तुमको doubt है, तुम उसके against writ of quo warranto file कर सकते हो. तो वहां पे अथॉरिटी उनसे पूछेगा, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह मांगेगा, रिकॉर्ड्स वगैरह मांगेगा, उसे बोला जाएगा कि प्रूफ करो कि तुम एक ड्यूली अपॉइंटेड आईएएस ऑफिसर हो, एक ड्यूली क्वालिफाइड आईएएस ऑफिसर हो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम वो ऑफिस वेकेट कर दो, टू विच यू आर नॉट लीगली इंटाइटेड टू. रिट ऑफ को वारंटो प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम अज्यूमिंग, मैं लिख देता हूं यहां पे नेक्स्ट स्लाइड में, देखना यहां पे, रिट ऑफ को वारंटो प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम एक
एक्सेप्टिंग फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी पब्लिक ऑफिसेस टू विच दे आर नॉट लीगली entitled to. कॉपी कर लेना इसको. राइट ऑफ कुवांटो prevents a person from accepting, from accepting लिख लो या from assuming, from assuming any public office. बोला जिस public office को hold करने का power तुम्हारे पास नहीं है वो public office तुम hold नहीं कर सकते. अगर कोई public office को hold करने का powers तुम्हारे पास नहीं है you cannot hold such public office. और अगर किया तो तुम्हारे अगेंस्ट क्या लाया जा सकता है. रिट ऑफ को वारंटो. रिट ऑफ को वारंटो. इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? नाउ तो आई होप दिस इज क्लियर. हाँ सर. तो गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आप ये सारी चीजें रिवाइज करके आएंगे. ठीक है जी. तो गो थ्रू ऑल दिस बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर. So that's all from this particular lecture. Thank you so much. Take care. Bye-bye. Be happy. Be healthy, wealthy and wise. ठीक है बच्चों अपना ध्यान रखिए स्वस्थ रहिए मजे करिए.